नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। इंडियन इकोनॉमी के मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज हम कवर करेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको 1999 और 2000 के बीच में शुरू किया गया था। इस स्कीम ने कुछ स्कीम्स को रिप्लेस किया था। कौन कौन सी स्कीम्स को? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, फिर आता है TRISM, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, फिर आता है सित्रा, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल्स स्कीम। इन सारी की सारी स्कीम्स को रिप्लेस किया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को। अब इन सारी स्कीम्स में दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। एक आती है मिलियन वेल्स स्कीम और एक आती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखेगा। IRDP तो मैंने कुछ दिन पहले ही कवर कराई थी, मिलियन वेल्स स्कीम मैंने काफ़ी समय पहले कवर कराई है और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा और पसंद किया है। आप भी ज़रूर देखेगा, आपको भी देखकर काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो IRDP और मिलियन वेल्स स्कीम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसने ये इम्पोर्टेंस कुछ स्कीम्स हैं जिन्हें रिप्लेस कर दिया। कौन कौन सी? IRDP, फिर आता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, फिर आता है सित्रा, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, फिर आता है गंगा कल्याण योजना और मिलियन वेल्स स्कीम। कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो देखिए, इस स्कीम को इस्टेब्लिश किया गया इस इंटेंट के साथ कि जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उन्हें असिस्ट किया जाए, मदद किया जाए, ताकि उनका जो लिवलीहुड है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उन्हें बोला गया स्वरोजगारीज, और हम इन्हें मदद करेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL हैं, तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ये आएँ और इनको हम सस्टेन इनकम जो है वो प्रोवाइड कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के लिए हम इन्हें सस्टेन इनकम प्रोवाइड कर सकें। अब ये फुलफिल कैसे होगा? रूरल पुअर जो है उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके ये पूरा होगा। इसमें सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर, इन लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो देखिए, इन्हें स्वरोजगारीज की तरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये वो होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, और कौन सा बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन सा व्यक्ति या कौन सा रूरल पुअर जो है वो स्वरोजगारी होगा, इसे अप्रूव कौन करेगा? इसको ग्राम सभाएं अप्रूव करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एग्जांपल बनता है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि यहाँ पे जो पावर है वो पंचायतों को, ग्राम सभाओं को भी दी जा रही है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपको मनरेगा को कवर कराया, मनरेगा को भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर करवाया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर देखेगा। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि मनरेगा में भी जो पावर है वो किसके हाथ में है? पंचायतों के हाथ में है। तो ये किसका एग्जाम्पल आता है? डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल आता है, कि केंद्र या राज्य की सरकारें जो हैं उनके पास पूरी पावर नहीं है, बल्कि जो पंचायतें हैं उनको हम पूरी पावर दे रहे हैं या ग्राम सभाओं को पावर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये स्कीम फैसिलिटेट करती है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बनाए जाएं, और यहाँ पे कुछ चीज़ों में वो असिस्ट करेंगे। किस चीज़ में? जैसे लोन कम सब्सिडी बेसिस जो होती है, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए लोन या सब्सिडीज़ मिलती हैं उनमें वो मदद करें, असिस्ट करें। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे इनमें आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ, एक्सक्लूसिवली वुमेन ग्रुप्स होंगे, यानी मोर देन 50% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए? उनमें महिलाएं होनी चाहिए। ये जो स्कीम है ये रेगुलेट करती है। इस स्कीम की कवरेज की बात करें तो ये किस किस को कवर करता है? ये रूरल कम्युनिटीज़ को कवर करता है। रूरल एरियाज़ में भले आपके पास ज़मीन है चाहे नहीं है, कोई लैंडलेस लेबर है, किसी के पास ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं,
कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई डिसेबल्ड है, कईयों को कुछ प्रकार की डिसेबिलिटी भी हो जाती है, और जो रूरल आर्टिसंस हैं, रूरल एरियाज़ में जो आर्टिस्ट हैं, उन सारों को ये कवर करती है। ये असिस्ट करती है लो इनकम फैमिलीज़ को कि या तो वो इंडिविजुअल या ग्रुप की तरह काम करें, जिनको किससे सिलेक्ट किया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल फैमिलीज से। यहाँ पे 3 मेंबर की टीम बनाई जाएगी जहाँ पे एक बैंकर होगा, एक सरपंच होगा, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, और वो जो लो इनकम फैमिलीज़ के लोग हैं उन्हें असिस्ट करेगा। ये स्कीम स्पेसिफिकली फोकस करती है जो रूरल पुअर में वनरेबल सेक्शन होती है, यानी कि जो एकदम बिल्कुल हाशिए पर बैठी होती है। यहाँ पे जो SC ST है उन्हें भी बल्क ऑफ असिस्टेंस मिलेगा, 50% का असिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग फंड है वो महिलाओं या जो डिसेबल्ड हैं उनके पास जाएगा। अब ये जो स्कीम है ये स्वरोजगारी उसको डेवलप करती है ट्रेनिंग कोर्सेज के माध्यम से। जो स्वरोजगारीज हैं यानी कि जो रूरल पुअर में जो बिल्कुल हाशिए पे BPL फैमिलीज से निकले लोग हैं और उनको ग्राम सभा के द्वारा स्वरोजगारी अप्रूव किया गया है, उन्हें ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे। कुछ ना कुछ उन्हें अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाएगी, और कौन सी ट्रेनिंग कराई जाएगी, कोई भी ट्रेनिंग जो कि एक्टिविटी सिलेक्ट की गई है स्वरोजगारी के द्वारा। तो मान लो ये स्वरोजगारी है तो उसको मान लो जैसे ये 10 एक्टिविटीज़ ऐसी दे दी, बोला कि भैया इसमें से जो आपने सिलेक्ट करनी है करो, और उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है वो हम आपको देंगे। तो मान लो कि स्वरोजगारी ने ये वाली जो एक्टिविटी है इसे एक्सेप्ट किया, तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स होंगे वो कोर्स इसको करवाए जाएंगे ताकि फिर ये आगे चल के अपनी मेहनत करे, काम करे और फिर पैसा बनाए। ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस करता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस का रूरल एरियाज़ में। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जब स्वरोजगारी को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, अपना कोई ना कोई धंधा शुरू करेगा। तो इससे हम रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर किसका, माइक्रो एंटरप्राइजेस का, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूरल एरियाज़ में इस प्रकार से माइक्रो एंटरप्राइजेस इस स्कीम के तहत बनाने की बात हुई। अब यहाँ पे देखिए कि अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि गरीब आदमी जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, क्रेडिट ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो हैं यहाँ पे ये कंपोनेंट्स को कंसीडर किया गया। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्रेडिट की बात होगी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बात होगी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होगी, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जाएगी। ये जो स्कीम है इसमें कुछ प्रोसेसेस आती हैं, जैसे कि देखिए ग्रुप क्रिएशन। इस स्टेज में क्या होगा कि मेंबर्स का जो स्किल लेवल है उसे असेस किया जाएगा कि कोई एक व्यक्ति है उसके पास क्या स्किल है, कितने अच्छे से वो अपने स्किल को जानता है और उसके ऊपर काम करता है। फिर आता है कैपिटल क्रिएशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक रोटेटिंग फंड सिस्टम जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल को अडॉप्ट करें, उस स्किल को वो सीखें। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो फाइनल स्टेज डील है उसमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर जो एबिलिटीज़ हैं किसी भी स्वरोजगारी की, किसी भी इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज़ हैं उसको नर्चर किया जाएगा, पूरा जो ग्रुप है उसको स्किल्स सिखाई जाएंगी। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसे कैसे प्रोसेस किया जाएगा, जैसे जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसका जो स्पीड है उस हिसाब से इसे प्रोसेस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक स्किल आप बोलो कि चलो फटाफट 8-10 दिनों में सीखो और जाओ, नहीं, कई क्विक लर्नर होते हैं, कई स्लो लर्नर होते हैं। तो जो रिस्पेक्टिव ग्रुप का जितना भी पेस है, जितने जल्दी वो उसको समझ पा रहा है पूरे के पूरे स्किल को, उस हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगी। मतलब बेसिकली कोई चाहे 8 दिन में सीखे चाहे 16 दिन में सीखे, अगर 16 दिन में भी कोई सीखना चाहता है तो 16 दिन में फिर इसको सिखाया जाएगा। अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो देखिए एक यूनिफॉर्म सब्सिडी है 30% की, जो टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है इस स्कीम के तहत वो दी जाएगी। यहाँ पे जो सीलिंग है वो 7,500 की रखी गई है। फिर अगर हम 50% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी की बात करें तो वहाँ पे सीलिंग है 10,000 की, लेकिन ये कुछ डिसेबल पर्सन या फिर जो SC ST हैं उनके लिए एक्सटेंड भी हो जाती है। 50% की एक और सब्सिडी यहाँ पे मिलती है जहाँ पे सीलिंग है 1.25 लाख की, या फिर पर कैपिटा सब्सिडी की बात करें तो 10,000। दोनों में से जो भी कम होगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या फिर जो इंडिविजुअल स्वरोजगारीज हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक तो ग्रुप की बात भी हो रही है लेकिन इंडिविजुअल स्वरोजगारी की बात भी हो रही है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे ग्रुप में काम नहीं करना है, मुझे इंडिविजुअली
जो स्किल है वो सीखनी है तो उसको इंडिविजुअली भी स्किल सिखाई जाएगी। यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है सब्सिडी के ऊपर, लेकिन जो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं। फंडिंग और ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स बनेंगे जिनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलेंगे इस स्कीम के तहत, उनको मेंटेन, एजुकेट और फंड किया जाएगा एनजीओस के द्वारा। तो जो एनजीओस होती हैं उनके द्वारा जो इस प्रकार के ग्रुप्स हैं उनको मेंटेन किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, फ़ंड किया जाएगा। यहाँ पे एनजीओस हो सकती हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, सीबीओस, बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हो सकती हैं, वो इन ग्रुप्स को मेंटेन करेंगे, एजुकेट करेंगे और फ़ंड करेंगे। और यहाँ पे सेल्फ एड जो है वो प्रमोट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट एजेंसीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम कर रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए बुक कीपिंग होगी, मार्केट नॉलेज हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रेजल हो गया, एक्वेंटेंस हो गया प्रोडक्ट कोस्टिंग के साथ, उसके साथ साथ प्रोडक्ट कीपिंग हो गया, फिर जो कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है बैंक्स के द्वारा उसके साथ फैमिलियराइजेशन होगी, या फिर कोई भी बेसिक स्किल्स जो कि एक आइडेंटिफाइड एक्टिविटी की है। अगर हम रिवॉल्विंग फंड्स के डिस्पोजल की बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो 6 महीने के लिए होगी, और फिर वो वायबल ग्रुप क्वालिफायर्स जो हैं उसका पोटेंशियल वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और उस हिसाब से DRDI या फिर बैंक्स के द्वारा उन्हें कैश क्रेडिट भी दिया जाएगा। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं इनको हम रिवॉल्विंग फंड्स बोलते हैं, और ये ग्रुप का जो कॉर्पस है उसके ऑगमेंट के ऊपर ही एक्सटेंड होते हैं। यही एक कारण है कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को यहाँ पे लोन मिल पा रहा है। इंश्योरेंस कवर की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स और लाइफ स्टॉक के लिए जो इस लोन से लिए जाएंगे, एसेट भी और लाइफ स्टॉक भी। एसेट आप सब जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी ने दर्जी का एक कोर्स सीखा, मतलब किसी व्यक्ति ने कपड़े सिलने की ट्रेनिंग ली, अब वो मशीन खरीदेगा कपड़े सिलने की, जो मशीन है वो क्या है, एसेट है। लाइफ स्टॉक जैसे मान लो कि कोई गाय खरीद रहा है, या कोई मान लो बकरी खरीद रहा है, कोई पोल्ट्री फार्म के लिए मुर्गियां खरीद रहा है, तो लाइफ स्टॉक और एसेट्स। तो यहाँ पे जितने भी लाइफ स्टॉक और एसेट्स जो कि लोन के माध्यम से लिए जाएंगे उनके ऊपर इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब आपने लोन तो दे दिया लेकिन दोबारा लोन लेना भी तो है, किसी स्वरोजगारी ने लोन ले लिया उसको वापस भरना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोन स्कीम के तहत दिए जाते हैं ये मीडियम टर्म के होते हैं, और जो मिनिमम रीपेमेंट पीरियड है वो 5 साल का है। आपने एक बार लोन लिया, 5 साल में आपने उस लोन को वापस चुकाना है। जो इंस्टॉलमेंट हैं वो कैसे डिसाइड होगी, नबार्ड और डिस्ट्रिक्ट की SJSY कमेटीज़ हैं उनके द्वारा जो कोस्ट अप्रूव होगी उसके हिसाब से इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो डिटरमाइन होगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, या फिर अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने कवर करा लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जुराफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसे समझ कर के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। मैंने आपको 3 वीडियोज़ बताई हैं, IRDP, मिलियन वेल्थ स्कीम और मनरेगा, तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। JK करंट अफेयर और JK टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।